फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाईवेज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस आर रिक्वायर्ड, क्रॉस सेक्शंस आर रिक्वायर्ड, या फिर बोथ, या फिर कोई नहीं। देखिए, क्रॉस सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स पढ़ते हैं, कैरिज वे, शोल्डर, कर्व वगैरह, वो सब हम क्रॉस सेक्शन की मदद से पढ़ते हैं। इसके अलावा जो हम पेवमेंट डिज़ाइन करते हैं, जिसमें सब ग्रेड, बेस कोर्स, सरफेस कोर्स वगैरह आता है, उसमें भी हम क्रॉस सेक्शन यूज़ करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हाईवे के अलाइनमेंट के लिए। तो कुल मिलाकर दोनों सेक्शंस ज़रूरी होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। द कैम्बरफुल हिल रोड्स इन केस ऑफ बिटुमिनस सर्फेसिंग इज अडॉप्टेड एज। देखिए, कैम्बर जो है वो अलग अलग सड़कों के लिए अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड की गई है IRC के द्वारा, लेकिन दो केस दे रखे हैं, हैवी रेन्स के लिए अलग और लाइट रेन के लिए अलग। क्योंकि ये हिल रोड वाला केस है, यहाँ पे हैवी रेन वाला डेटा हम यूज़ करेंगे। और बिटुमिनस के लिए ये 2% दिया गया है, कंक्रीट के लिए भी सेम डेटा है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए सही होगा। और इसके अलावा जो WBM या ग्रेवल रोड हैं, उनके लिए ये 3% दिया गया है। फिर उसके बाद जो अर्थन रोड है, उसके लिए ये 4% दिया गया है। ये जो मैंने आपको 2, 3 और 4 बताया, ये हैवी रेन वाला बताया। वट इज़ द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन दैट इज़ फिक्स्ड बाई इंडियन रोड कांग्रेस फॉर रोड्स इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एंड इज स्नोबॉन्ड एरियाज टेकिंग मिक्सड ट्रैफिक इन टू कंसिडरेशन। देखिए, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन बताना है कुल मिलाकर प्लेन एंड रोलिंग के केस में। तो प्लेन एंड रोलिंग के केस में ये होता है मैक्सिमम 7%। कुल मिलाकर 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं, प्लेन और रोलिंग का साथ में है 7%, फिर जो हिली रीजन्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर 10% है, और जो अर्बन रोड हैं, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पर ये 4% दिया जाता है मैक्सिमम। इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही होगा, 7%। द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व फॉर रूलिंग डिज़ाइन स्पीड वी मीटर पर सेकेंड, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सुपर एलिवेशन ई इज़ गिवन बाय। देखिए, इसमें आपको जो बेसिक फार्मूला है वो ध्यान रखना है, जो कि है ई प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर ओवर जी आर। ई सुपर एलिवेशन है, एफ लेटरल कोफिशियंट है, वी स्पीड है यहाँ पे, जी ग्रेविटी है और आर रेडियस है। अब इस फॉर्मूले से जो लेफ्ट में लिखा हुआ है, इससे अगर आप R निकालेंगे तो आपको अपना ऑप्शन मिल जाएगा इस सवाल में। और साथ के साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि ये जो फार्मूला है, इसमें R तो मीटर में होता ही है, G भी अपनी SI यूनिट में होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, लेकिन इसमें V मीटर पर सेकंड में होता है। और ज़्यादातर सवालों में जो V होता है वो KMPH में दिया होता है, न्यूमेरिकल की बात हो रही है, तो बार बार आपको परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए इस फॉर्मूले को इस तरह से कन्वर्ट किया गया कि अब आप डायरेक्ट V की वैल्यू KMPH में रखिए और R की वैल्यू मीटर में ही रखिए और सवाल को सॉल्व करिए। इसको कन्वर्ट किया गया है, तो आगे हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि V जनरली KMPH में दिया गया होता है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है जो मीटर पर सेकंड से KMPH में बदली जा रही है, यहाँ पर फॉर्मूला बदला जा रहा है, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा ऑपोजिट वे में देखने को मिलेंगी। चलिए बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, मीटर पर सेकंड को KMPH में बदलने के लिए हम 3.6 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डिवाइड किया जा रहा है 3.6 के स्क्वायर से। स्क्वायर क्यों आया, वो तो खैर बी स्क्वायर की वजह से आया, लेकिन डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि ये फार्मूला डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि जब आप इसमें यहाँ पर V की जगह पे KMPH वाली वैल्यू रखें तो वो अपने आप मीटर पर सेकंड में बदल जाए, और बाकी चीज़ें तो आप मीटर में ही रखेंगे। ऑल राइट, तो जो लेफ्ट में लिखा था वहाँ से आप R निकालेंगे तो ये C जैसा दिख जाएगा। कैम्बर इन द रोड इज़ प्रोवाइडेड फॉर काउंटर एक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इफेक्टिव ड्रेनेज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि बरसात का पानी इधर उधर नालियों में चला जाए। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ कार मूविंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज़ प्रोपोर्शनल टू। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हम 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम MV² से पढ़ते हैं ओवर R, चाहे तो आप इससे निकाल सकते हैं। इसमें आपको जो मास है उसको बदल देना है वेट और ग्रेविटी में, जो कि इनका रिलेशन होता है आपस में। तो मास को जब आप हटाएंगे यहाँ से, तो
या एम की जगह पे आप डब्ल्यू ओवर जी रख देंगे, जो इनका रिलेशन होता है आपस में, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पे दिख जाएगा सही, डब्ल्यू वी स्क्वायर ओवर जी आर। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से पूछा गया है ये सवाल बेसिकली, जिसमें रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व वाला टॉपिक है, तो उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है वो होता है पी बाई डब्ल्यू ओवर वी स्क्वायर ओवर जी आर, ठीक है। इसमें से अगर आप पी को एक तरफ करेंगे तो पी को एलिमिनेट करेंगे तो डब्ल्यू वी स्क्वायर ओवर जी आर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन प्लेन्स द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज़, अब देखिए ट्रांजिशन कर्व का इसके दो फॉर्मूले हैं बेसिकली, प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए अलग से है एक, और स्टीप और हिली टेरेन के लिए अलग से है। फॉर्मूले काफ़ी सिंपल हैं, प्लेन और रोलिंग टेरेन का जो है वो 2.7 वी स्क्वायर ओवर आर है, और स्टीप और हिली का है वी स्क्वायर ओवर आर। सिंपल फॉर्मूले हैं, वी इनमें के एम पी एच में रखना है दोनों में, और आर तो मीटर में ही रखेंगे। इन केस आपको मीटर पर सेकंड वाला यूज़ करना हो तो इनको आप देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी फॉर्मूले यही हैं जो मैंने पहले हाईलाइट किए। इसमें आपको प्लेन एंड रोलिंग टेरेन का पूछा है तो 2.7 वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा, वी स्पीड है और आर रेडियस। द शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड लेंथ 48 मीटर इज़, देखिए शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर ओवर 24 आर। एल लेंथ है जो कि 48 मीटर दे रखी है, और आर रेडियस है 300 मीटर। एल की जगह आप 48 पुट करेंगे, वहाँ पर 300 निकल के आ जाएगा 0.32 मीटर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, स्पीड ऑफ द व्हीकल, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, या फिर सारे ऑप्शन। देखिए जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक है इसमें लैग डिस्टेंस और दूसरी है ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस में वी इंटू टी किया जाता है, यानी कि गाड़ी की स्पीड और ड्राइवर का रिएक्शन टाइम, तो ए और बी तो सही हो गए। इसके अलावा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसमें वैसे तो फ्रिक्शनल कोफिशियंट, वेलोसिटी वगैरह चीज़ें आती हैं, लेकिन उसमें एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक भी आती है। तो तीनों ऑप्शन कुल मिलाकर सही हैं यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। और ये जो अभी चीज़ें बोली गई इनको डिटेल में आगे क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस किया जाएगा। द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर सेल ऑपरेशन फॉर ए स्पीड ऑफ 110 के एम पी एच इज़, देखिए ये क्वेश्चन जो है उसी फॉर्मूले से है जिसकी बात अभी हमने पहले करी थी सुपर एलिवेशन का, ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर जी आर। लेकिन यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि जो स्पीड है वो के एम पी एच में दे रखी है, तो फॉर्मूला आप दूसरा वाला यूज़ करेंगे, ई प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर ओवर 127 आर। और दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखेंगे कि क्योंकि ये एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस का केस है तो इसमें जो ई है वो 7% कंसिडर किया जाएगा। ऑल राइट, तो अब आ जाएगी आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे, तो ई तो 7% होगा, 0.07 हो जाएगा। जो फ्रिक्शनल कोफिशियंट है, सॉरी जो लेटरल कोफिशियंट होता है इसमें, वो 0.15 लिया जाएगा। ये इतना ही होता है, अगर ना दिया हो तो आप ये इतना ले सकते हैं। उसके बाद V की जगह 110 रखेंगे और R को कैलकुलेट कर देंगे, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं, R आ जाएगा 433 मीटर। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा B। व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ऑफ अ पेमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 230 मीटर फॉर रूलिंग स्पीड ऑफ 80 के एम पी एच। देखिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग जब हम करते हैं कैरिज वे में, सेफ्टी पर्पज़ के लिए करते हैं बेसिकली, तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो है मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को ऐड करके मिलता है। डब्ल्यू ई बराबर हो जाता है एन एल स्क्वायर ओवर 2 आर प्लस वी ओवर 9.5 रूट आर। क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का क्वेश्चन है तो हम सिर्फ उसका फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी सिर्फ ये वाला यूज़ करेंगे। वी और आर हमें दे रखा है, वी इसमें के एम पी एच में ही रखा जाता है, फार्मूला कुछ इस तरह से बनाया गया है। तो सॉल्व करके WP की वैल्यू आएगी 0.555। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट बताना है। द विड्थ ऑफ द राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड टू एकोमोडेट फॉर्मेशन विड्थ,
साइड स्लोप, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व। देखिए यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है, तो राइट ऑफ वे जो है उसकी जो विड्थ है वो असल में किस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। नहीं क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनकरेक्ट बताना है। तो राइट ऑफ वे का ए बी और सी से बिल्कुल मतलब है, लेकिन वर्टिकल कर्व से उसका मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल में आती हैं चीज़ें सारी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है इस स्टेटमेंट के लिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेटरल कोफिशियंट ऑफ द फ्रिक्शन एज पर IRC? लेटरल कोफिशियंट जिसकी ज़रूरत हमें सुपर एलिवेशन में पड़ती है 0.15, ठीक है। कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन मीटर फॉर द डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 3% फॉर अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 80 km/h। टेक कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.35 एंड टोटल रिएक्शन टाइम एज 2 सेकेंड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आप एक तो ये ध्यान रखिए कि जो आपको ये डेटा दे रखा है ये और ये अगर ना भी दे रखा हो तो फ्रिक्शनल कोफिशियंट तो आप इतना ही लेते हैं, और जो रिएक्शन टाइम है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में 2.5 सेकंड लिया जाता है। इस क्वेश्चन में हम 2 सेकंड लेंगे, क्योंकि इतना ही हमें दे रखा है। इसके अलावा क्योंकि इसमें ग्रेडियंट का केस है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट का, तो हम जो इसका फर्दर लास्ट फार्मूला निकल के आता है उसे यूज़ करेंगे। अब आप सॉल्यूशन पे आ जाइए। देखिए सॉल्यूशन पे आने से पहले आप फार्मूले समझ लीजिए। SSD जो निकाला जाता है वो लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के सबमिशन से निकाला जाता है। इसका बेसिक फार्मूला होता है VT+V²/2gμ, और ये बेसिक है। इसमें वी जो है मीटर पर सेकंड में होता है, लेकिन जनरली वी KmPH में होने की वजह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर हमें नया फार्मूला मिलता है 0.278 VT+V²/254μ। अब यहाँ पे हमने जी की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसके अलावा जब ग्रेडियंट का केस हो, ये तो हम जो फार्मूले पढ़ते हैं ये हम सीधी रोड के लिए पढ़ते हैं जहाँ पर कोई उतार चढ़ाव ना हो, लेकिन जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ग्रेडियंट का केस आए तो तब हम वहाँ पे प्लस माइनस n% कर देते हैं। प्लस करेंगे असेंडिंग के केस में, माइनस करेंगे डिसेंडिंग के केस में, ठीक है। असेंडिंग के केस में प्लस हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो यहाँ प्लस होगा तो वैल्यू बढ़ेगी और ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होगी, और कम ही होगी ब्रेकिंग डिस्टेंस जब हम चढ़ाई पे चढ़ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और फिर इसके अलावा जो डिसेंडिंग वाला केस में उसमें हम माइनस लेंगे यहाँ पे, फिर ये वैल्यू बढ़ेगी ब्रेकिंग डिस्टेंस की, और ऑब्वियस सी बात है ढलान वाले केस में वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा ब्रेक लगाने में, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हमें फाइनली फार्मूला यूज़ करना है लास्ट वाला। तो इसमें वी और टी तो हम 80/2 करेंगे यूज़, और एन की जगह 0.03 रखेंगे क्योंकि 3% दे रखा था। ये फ्रिक्शनल कोफिशियंट है यहाँ पे 0.03, बाकी तो सब फॉर्मूले में थी वैल्यूज़। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 123.22 मीटर, ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन बी में। ऑलराइट, व्हाट विल बी द शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज 80 मीटर एंड रेडियस 300 मीटर। इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व बराबर होगा L²/24R। वैल्यूज़ पुट करके आप निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 0.89 मीटर। क्रॉस स्लोप गिवन टू द पेमेंट फॉर सेफ ड्रेनेज ऑफ वाटर इज, क्रॉस स्लोप जो दिया जाता है पेमेंट में ताकि ड्रेनेज अच्छे से हो, तो वो कैम्बर ही तो होता है जिसकी बात पहले भी करी थी। कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 60 km/h फॉर 2-way ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड, द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 2.5 सेकेंड। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालनी है, और फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे वही वाला जिसमें हम वैल्यू डायरेक्ट KmPH में रख सकें। इसमें कोई ग्रेडियंट का केस नहीं है तो सिंपल ये यूज़ होगा म्यू तक। पूरा हम सॉल्व करके इसको निकाल लेंगे 82 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2-way ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड, ये इस क्वेश्चन के कीवर्ड हैं। जब सिंगल लेन रोड हो यानी एक ही लेन हो उसमें, और 2-way ट्रैफिक हो जिसमें गाड़ियां आ भी रही हैं जा भी रही हैं, तो उस केस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू डबल कर दी जाती है। एक तो एक के लिए हो गई डबल, दूसरे के लिए कर दी जाती है क्योंकि दोनों ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल हैं वहां पे, ताकि कोलिजन ना हो। तो जल्दबाजी में ऑप्शन ए पे क्लिक मत करना, ये वैल्यू डबल होगी और तब ये बन जाएगी 164।
ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा. विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. बम्प इंटीग्रेटर को यूज़ करते हैं और साथ में रफोमीटर भी होती है, एक छोटी सी डिवाइस. तो कुल मिलाकर दोनों यूज़ होंगे इसमें. ऑप्शन बी इसका सही होगा. द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू. तो इसका अगर हम डिटेल पढ़े तो कुल मिलाकर नतीजा यही निकल के आता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का डबल इसको कंसिडर किया जाना चाहिए, ट्वाइस ऑफ एस एस डी. विच ऑफ द फॉलोइंग एज करेक्ट वैल्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यूज फॉर कोफिशियंट ऑफ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन. तो लेटरल का भी मैंने एक अलग से आपको क्वेश्चन करवाया था जिसमें 0.15 था. तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही है. देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन काफ़ी आपको सही दिख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जैसे ऑप्शन डी भी यहाँ पे कुछ बच्चे सही कर देते हैं, क्योंकि इसमें लेटरल पहले पूछा है तो उसका पहले होगा, रेस्पेक्टिवली वाला केस है, लॉन्गिट्यूडनल का बाद में होगा. तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा. वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आपको इसको लाइक करना है, तो लाइक कर दीजिए अभी इसे. द रोलिंग डिज़ाइन स्पीड ऑन अ कर्व इज़ 100 kmph एंड द सुपर एलिवेशन ऑन द कर्व इज़ 7%. कैलकुलेट द रोलिंग डिज़ाइन रेडियस ऑफ द कर्व, टेक कोफिशियंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15. कितना आसान सवाल है. अब सब वैल्यू आपको दे दिए यहाँ पे. बेसिक फार्मूला आप यूज़ करेंगे 127R वाला, क्योंकि V इसमें kmph में दे रखा है. ई भी 7% दे रखा है, ना भी दिया होता तो आप उतना ही कंसिडर करते, मिनिमम रेडियस का केस था. तो इसमें R आ जाएगा 357 तक आ रहा था, तो 358 हो जाएगा यहाँ पे. मोटर व्हीकल एक्ट वाज एंटेस्ट इन. तो देखिए ये जो एक्ट है ये इन ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान ये दोबारा पब्लिश किया गया था. सबसे पहले ये 1914 में आया था, और इसके अलावा लेटेस्ट जो है ये 1988 में रिवाइज किया गया है. तो इस वैल्यू को भी आपको ध्यान रखना है, इस डेट, इस ईयर को भी, क्योंकि ये लेटेस्ट है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है. IRC एग्जिस्टेंस में कब आया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है. 1934 में, 1934 में आया था. ऑप्शन बी सही होगा. द सीक्वेंस ऑफ रोड स्टेज ऑफ सर्वे इन अ हाईवे अलाइनमेंट इज. तो सीक्वेंस आपको बताना है, और ऑप्शन में जो चीज़ें दे रखी हैं वो रिकॉग्निशंस है, मैप स्टडी है, प्रीलिमिनरी सर्वे है और डिटेल्ड सर्वे है. देखिए सबसे पहले तो मैप की स्टडी की जाती है, क्योंकि रिकॉग्निशंस तब किया जाता है वहाँ पे जाके परीक्षण करना. तो सबसे पहले मैप स्टडी है, फिर रिकॉग्निशंस है, और उसके बाद प्रीलिमिनरी सर्वे पहले होगा, तब होगा डिटेल्ड सर्वे. तो ऑप्शन सी यहाँ पे सबसे सही है. ए मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज. देखिए मीडियन जो है बीच में प्रोवाइड किया जाता है, दोनों साइड के बीच में सड़क में, उसको हम ट्रैफिक सेपरेटर भी बोलते हैं. ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा. द मिनिमम शोल्डर विड्थ रिकमेंडेड बाई IRC इज. शोल्डर की विड्थ कम से कम 2.5 meters होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए. शोल्डर क्या होता है, जो हम साइड में प्रोवाइड करते हैं, वो एक वो कैरिज वे का ही हिस्सा होता है, लेकिन वो अलग से प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम वहाँ पर गाड़ियाँ रोक सकें. द रोड कनेक्टिंग कैपिटल्स ऑफ स्टेट इज़ नोन एज. तो कौन सा हाईवे होगा वो जो कैपिटल्स को कनेक्ट करेगा. मान लीजिए देहरादून से लखनऊ जाने की बात हो रही है, तो डेफिनेटली वो एक नेशनल हाईवे होगा. तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब लॉन्च हुई थी, 2000 में हुई थी. हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है. मेन फंक्शन ऑफ मीडियन इज टू सेपरेट द ऑपोजिट स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक. ये तो होता ही है बिल्कुल. टू मिनिमाइज द हेडलाइट ग्लेयर. अब देखिए जाने वाली गाड़ियाँ एक तरफ और आने वाली दूसरी तरफ होंगी, तो कम होगा लाइट ग्लेयर वहाँ पे. टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ क्रॉसिंग एंड टर्निंग व्हीकल एट इंटरसेक्शन. अब मीडियन की मदद से इंटरसेक्शन पे काफ़ी मदद मिलती है गाड़ियों को क्रॉस करने में और टर्न करने में. इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं. तो सारे ऑप्शन सही हैं. ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा. द क्रॉस स्लोप फॉर हाईवे शोल्डर इज़ जनरली कैप्ड. तो क्रॉस स्लोप जो है वो ऑप्शन में पेमेंट सरफेस की बात की जा रही है, कि उसके बराबर रखा जाता है या उससे फ्लैटर या उससे स्टीपर. तो ध्यान रखिए शोल्डर के लिए जो स्लोप दिया जाएगा वो स्टीपर होगा, ज़्यादा ढलान होगी उसमें. अगर ये मान लीजिए ये कैरिज वे का स्लोप है, तो शोल्डर का स्लोप थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, ज़्यादा स्टीपर होगा. तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा. कितना स्टीपर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे है. ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडियन रोड्स इज फॉर्मुलेटेड बाय. IRC ही देता है हमें सारे स्टैंडर्ड. बी सही हो जाएगा.
यही वो क्वेश्चन है जिसकी बात अभी करी थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर। तो शोल्डर का जो क्रॉस स्लोप है वो 0.5% स्टीपर रखा जाता है देन द क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट, ऑप्शन सी। द हेड ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ एनी इंडियन स्टेट इज, तो हेड जो होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं चीफ इंजीनियर। फिर अगर हम जनरल सीक्वेंस को फॉलो करें तो उनके अंडर में आते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर आते हैं असिस्टेंट और फिर आते हैं जूनियर इंजीनियर। बीच में कुछ और भी हो सकते हैं लेकिन मैंने जनरल सीक्वेंस की बात करी। द विड्थ ऑफ डिफरेंट रोड्स एज रिकमेंडेड इन नागपुर प्लान बाय द IRC फॉर हिली रीजन इज, नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि नेशनल हाईवेज़ की जो लेंथ है वो सेम रखी जाएगी हिली रीजन में भी। द वैल्यू ऑफ द कैम्बर रिकमेंडेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इन एरिया फॉर हैवी रेनफॉल इज, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें बिटुमिनस रोड का पूछा गया था, इसमें सीमेंट कॉन्क्रीट का है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सेम डेटा होता है दोनों के लिए, हैवी का भी उनका सेम डेटा होता है और लाइट रेनफॉल का भी सेम होता है। तो जो उसका 2% था वही यहाँ पे आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर जो है 1 in n की फॉर्म में करना है। तो इस केस में 1 in 50 हो जाएगा और इसको निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 in जो n होता है यहाँ पे वो उसमें आप क्या करेंगे 100 लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उस पर्टिकुलर नंबर से जो वहाँ पे दे रखा हो। तो यहाँ पे 2 है तो 2 से कर देंगे, कहीं पे 4 होगा तो 4 से कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में आंसर तो हो जाएगा डी 1 in 50। मान लीजिए 5% होता तब आप 5 से डिवाइड करते तब हो जाता 1 in 20। ठीक है, ये मैंने तरीका बताया आपको निकालने का। द स्लोप ऑफ द ज्वाइन लाइन ज्वाइनिंग द क्राउन एंड एज ऑफ द रोड सर्विस इज नोन एज, तो स्लोप क्या होता है, कैम्बर ही होता है लेकिन कैम्बर के और भी नाम होते हैं, उसको क्रॉस स्लोप तो बोलते ही हैं अभी हमने देख ही लिया, इसके अलावा क्रॉस फॉल भी बोलते हैं उसे। तीनों सही हैं इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, एनी ऑफ द अबव। राइट ऑफ वे इज़ द समेशन ऑफ द विड्थ ऑफ, तो राइट ऑफ वे किन किन चीज़ों से बनता है, कैरिज वे आता है उसमें, शोल्डर आता है, रोड मार्जिन भी आते हैं, इन्हीं तीनों का जिक्र है यहाँ पे, तीनों आते हैं। ए पोर्शन ऑफ द रोडवे कंटिग्यूस विद द ट्रेवल्ड वे एंड इज इंटेंडेड फॉर एकोमोडेशन ऑफ स्टॉप्ड व्हीकल इज कॉल्ड एज, देखिए कंटिग्यूस लिखा हुआ है और इसका मतलब है कि जो उससे जुड़ा हुआ है, और फिर दूसरी चीज़ लिखी हुई है कि गाड़ियाँ रोकने के लिए जो इंटेंट किया गया हो, तो शोल्डर ही तो होता है जिसकी बात अभी हमने पहले करी थी, शोल्डर ही जुड़ा होता है मेन कैरिज वे से और उसमें गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। डिवीज़न ऑफ इंडियन रोड्स इंटू 4 क्लासेज एज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स वर्स प्रपोज्ड बाय, किस में प्रपोज की गई थी, नागपुर रोड प्लान में ऐसा बोला गया था कि इंडिया में जितनी भी सड़कें होंगी उनको 4 क्लासेज में बांटा जाएगा। द रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1981 to 2001 इज ऑल्सो नोन एज, तो देखिए टाइम पीरियड थे, 3 प्लान बनाए गए थे, तीनों का जिक्र कर लेते हैं। नागपुर रोड प्लान था 1943 से 1963 तक, अब ये सारे प्लान 20-20 साल के लिए प्लान किए गए थे लेकिन नागपुर वाला 2 साल पहले कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए बॉम्बे वाला 1961 से ही शुरू कर दिया गया था, वो 1981 तक चला और फिर लखनऊ वाला 81 से 2001 तक। तो यहाँ पे आपको लास्ट वाला पूछा गया है वो लखनऊ प्लान हो जाएगा। वीडियो आपको ये वैल्यूएबल लग रही हो अगर तो इसको आपको शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहाँ पर आपके सिविल इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स हों। इन अ हाईवे एज असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 मीट्स विद अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 80 डिटरमिन द डेविएशन एंगल, देखिए डेविएशन एंगल कैपिटल एन से दिखाते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं n1 - n2 से, मॉड भी लगता है इसमें क्योंकि ओवरऑल वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, ध्यान यह रखना है कि असेंडिंग को हम पॉजिटिव लेंगे, डिसेंडिंग को नेगेटिव लेंगे, तो 1 in 100 को पॉजिटिव लेंगे, माइनस फॉर्मूले में होता है, फिर डिसेंडिंग को नेगेटिव लेंगे तो 1 in 80 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो तब इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे बिकॉज ऑफ मॉड, तो तब जो आपको आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 9/400। ऑल द स्पेसिफिकेशंस फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिज़ाइन आर गिवन बाय IRC, यही क्वेश्चन पहले भी ऐड किया गया लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से है।
द लॉन्गिट्यूडनल कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन हाईवे फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस इन जियोमेट्रिक डिज़ाइन इज़, देखिए जिस लॉन्गिट्यूडनल कोफिशियंट की बात हमने करी 0.35, उसकी एग्जैक्ट जो रेंज है वो 0.35 से लेके 0.40 तक होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट प्रोवाइड्स बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग इज नोन एज, दो तरह की वाइडनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, तो जो ऑफ ट्रैकिंग की वजह से करते हैं वो मैकेनिकल वाइडनिंग होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और साइकोलॉजिकल तो नाम से ही पता लग रहा है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है वो, ताकि साइकोलॉजिकली सेव करे ड्राइवर। द रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेमेंट विद रेस्पेक्ट टू इनर एज इज नोन एज सुपर एलिवेशन। फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस द आई लेवल शुड बी एट, देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में जो ड्राइवर का आई लेवल है वो तो 1.2 मीटर में होना चाहिए, और जो सामने ऑब्जेक्ट है वो 0.15 मीटर हाइट का कंसीडर किया जाना चाहिए, ठीक है, दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। द रेडियस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज 100 मीटर, द डिज़ाइन स्पीड इज 50 km/h, एंड डिज़ाइन कोफिशियंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15। डिटरमिन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड टू डेवलप, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको जो सुपर एलिवेशन है वो 1 in n की फॉर्म में बताना है, तो पहले आप e को निकाल लीजिए और फिर उसको कन्वर्ट कर देना, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 127 R वाला, यहाँ से e निकल जाएगा 4.7%, अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं। इसके बाद जो e की वैल्यू है उसको 1 in n की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था 100 को डिवाइड कर देना उस पर्टिकुलर नंबर से, जैसा कि यहाँ पे किया है तो 21.27 आ गया है। 1 को आपको नहीं छेड़ना है, जो न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है 1 को 1 ही रखना है, तो e हो जाएगा यहाँ पे 1 in 21.27, ऑप्शन ए। द लेंथ ऑफ व्हील बेस इन एक्स्ट्रा वाइडनिंग टेकन एज, देखिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग में अगर एल दे रखा हो तो ठीक है, ये मैकेनिकल वाइडनिंग में आता है एल, और अगर नहीं दे रखा हो तो वहाँ पे हम 6 meter कंसिडर करते हैं अप्रॉक्सीमेट, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो। इन ए 30 ग्रेड विटामिन ए स्टैंड्स फॉर, देखिए विटामिन के ग्रेड आते हैं ए 30, इसके अलावा ए 35 भी है, ए 90 भी है, तो इनमें जो ए है वो आसाम को रिप्रेजेंट करता है, आसाम पेट्रोलियम से ये बनाया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। विटामिन इज़ जनरली ऑब्टेंड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर कोल, तो विटामिन देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया जाता है, जैसे गैसोलीन, पेट्रोलियम गैस या फिर क्रूड ऑयल, इन चीज़ों की मदद से फिर इसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें डिस्टिलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। डिस्टिलेशन भी दो तरह का हो सकता है, एटमोस्फेरिक और वैक्यूम। अब इसमें क्या करते हैं कि जो लिक्विड है उसमें से जो ज़रूरी एलिमेंट है उनको अलग कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मदद से विटामिन को तैयार किया जा सकता है और किया जाता है। लॉस एंजलस मशीन इज़ यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फोर, अब देखिए एग्रीगेट जो यूज़ होता है सड़कों में उसमें हम कुछ टेस्ट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है वो क्रसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, ऑप्शन ए। उसकी इम्पैक्ट वैल्यू को देखने के लिए, जो कि टफनेस होती है एक्चुअली, तो उसके लिए इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है, तो उसका ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है लॉस एंजलस का, तो इसके लिए एब्रेसन टेस्ट किया जाता है लॉस एंजलस मशीन से, और इससे हार्डनेस देखी जाती है, ठीक है, तो एब्रेसन रेजिस्टेंस टेस्ट भी बोला जाता है इसको, तो तीनों ध्यान रखने हैं, ये तीनों टेस्ट एग्रीगेट के लिए किए जाते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ में हम स्ट्रेंथ देखते हैं एग्रीगेट की, इम्पैक्ट वैल्यू में टफनेस देखते हैं, और एब्रेसन रेजिस्टेंस टेस्ट में हार्डनेस देखते हैं। इफ़ फ्लेकी एग्रीगेट इज़ सेट टू बी इलॉन्गेटेड इफ़ इट्स लेंथ इज़, अब देखिए फ्लेकी की जो लेंथ होती है वो 3/5 होती है, जो उसकी मीन डायमेंशन के, जो उसकी लीस्ट साइज़ होता है, तो अब उसको इलॉन्गेटेड हम कब कहेंगे, क्योंकि इलॉन्गेटेड में 9/5 हो जाता है, जिसको हम 1.8 भी कह सकते हैं, और क्योंकि ऑप्शन अगर आपने देखे हो ध्यान से तो वहाँ पे होल नंबर दे रखा है, इक्वल दे रखा है, ट्वाइस, थ्राइस और 4 times दे रखा है, तो इलॉन्गेटेड में लगभग 2 times हो जाता है, ठीक है, मीन साइज़ के, तो हम कह सकते हैं कि वो इलॉन्गेटेड तब कहलाएगा जब उसका उसकी लेंथ जो है वो मीन साइज़ के 2 times होगी। विटामिन इमल्सन इज़, तो विटामिन इमल्सन क्या होता है, देखिए ये एक
मिक्सचर है, बिटुमिन के ड्रॉपलेट लिए जाते हैं और उसमें वाटर मिलाया जाता है। वाटर भी बोला जाता है और एक्यूएस सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो एक्यूएस सॉल्यूशन में और भी चीज़ें हो सकती है, पर वाटर भी होता है तो हम उसको भी ले सकते हैं। तो इन दो चीज़ों का ये मिक्सचर होता है। और ये इमल्सन, इसको इमल्सन नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि वाटर इसमें आसानी से मिक्स नहीं होता है, क्योंकि उसका नेचर ही कुछ ऐसा होता है बिटुमिन का। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा लिक्विड जो कि कंटेनिंग बिटुमिन इन सस्पेंशन, ऑप्शन ए। इन CVR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CVR इज़ कैलकुलेटेड एट। अब देखिए, जो CVR टेस्ट किया जाता है सब ग्रेड के लिए, सब ग्रेड जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है पेमेंट में, उसके लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उसके लिए टेस्ट होते हैं। तो उसमें से जो CVR टेस्ट है उसका एक प्रोसीजर है कि उसमें दो पॉइंट पे पेनिट्रेशन किया जाता है और फिर CVR वैल्यू नोट की जाती है, 2.5 पे और 5 mm पे। तो इनमें यह होता है कि अगर 2.5 की वैल्यू ज़्यादा है तो टेस्ट पास है और वही वैल्यू कंसीडर की जाती है। अगर 5 mm वाली वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो उस केस में हम टेस्ट को दोबारा कंडक्ट करवाते हैं, और तब अगर 2.5 की ज़्यादा आ जाए तो फिर वही ले लेते हैं। लेकिन अगर दोबारा टेस्ट कंडक्ट करवाने पर भी 5 की ही ज़्यादा आए तो तब हम 5 की ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर हम कभी 2.5 वाली वैल्यू ले रहे हैं और कभी कभी 5 की भी लेनी पड़ रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हम दोनों का पेनिट्रेशन ले सकते हैं CVR वैल्यू के लिए। आइडेंटिफाई द टेस्ट दैट इज़ नॉट कॉमनली यूज टू मेज़र द स्ट्रेंथ ऑफ सॉयल सबग्रेड इन हाईवे पेमेंट। तो जिस सॉयल सबग्रेड की बात अभी अभी करी थी उसके लिए हम कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट तो करते ही हैं, CVR टेस्ट, प्लेट बेयरिंग टेस्ट भी होता है उसके लिए, और ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट भी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कॉमनली यूज्ड, तो इसके लिए जो यूज़ नहीं होगा वो होगा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ये बिटुमिन के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डोल बार्स इन कॉन्क्रीट पेमेंट आर प्लेस्ड। तो डोल बार्स क्या होती हैं, जैसे कहीं पर अगर दो कंक्रीट सेक्शन को जोड़ना हो, ये इधर का हो गया इधर का हो गया, किसी ब्रिज के ऊपर का समझ सकते हैं आप, तो इनको जोड़ने के लिए डोल बार्स लगाई जाती हैं कुछ इस तरह से। तो अब ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि ट्रैफिक के अलोंग वो किस डायरेक्शन में होती हैं, ट्रैफिक के रेस्पेक्ट में क्या उसके अलोंग होती हैं, क्या परपेंडिकुलर होती हैं, या 45 पे होती है, या फिर एनी डायरेक्शन में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं ट्रैफिक इसी तरह से तो होगा, तो ट्रैफिक के अलोंग होती हैं लगी हुई, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज़ नोन एज। तो बॉटम मोस्ट लेयर, अभी अगर आपने ध्यान से सुनी हो बातें तो सब ग्रेड ही होती है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ध्यान से। देखिए, जनरली दो तरह के डिज़ाइन होते हैं हमारे पास, और इनमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि फ्लेक्सिबल में सब बेस की एक लेयर एक्स्ट्रा आ जाती है। तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है कि वो कौन सा पेमेंट है जिसमें सब बेस लेयर होती है, या वो कौन सा है जिसमें नहीं होती है। तो उस हिसाब से आप फ्लेक्सिबल या रिजिड आंसर कर सकते हैं, और दोनों में आप देख सकते हैं सब ग्रेड बॉटम मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, बेस मीडियम लेयर है, और सबसे ऊपर आता है वेयरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स, यहाँ पर देख सकते हैं। और डेफिनेटली जो रिजिड पेमेंट है उसमें कंक्रीट की स्लैब होगी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे बॉटम मोस्ट लेयर। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वेयर इज़ नोन एज। अब जो मैंने आपको एग्रीगेट का एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बताया, उसमें एक एग्रीगेट की वो क्षमता देखी जाती है कि वो कितना वेयर कर सकता है किसी चीज़ को। तो उसमें एक ड्रम होता है स्टील का, फिर उसमें अंदर स्टील की बॉल होती हैं, कास्ट आयरन स्टील बॉल बोला जाता है उनको, उनके साथ उसको 30 या 33 RPM पे घुमाया जाता है। तो बेसिकली वहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है कि वो कितना वेयर कर सकता है रेजिस्टेंस को, तो उस चीज़ को हम एब्रेशन रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वीडियो आपको अगर सही लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए अभी। फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेमेंट्स द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड इज। अब ये सीमेंट का क्वेश्चन है और यहाँ से भी रिलेट होता है। तो पेमेंट में हम क्या करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जल्दी सेट हो जाती है और हम यही चाहेंगे कि हमारा ट्रैफिक वापस खुले और काम दोबारा से चालू हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन इज़। तो देखिए, बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, वैसे तो उसकी रेंज है 0.97 से लेके 1.02 तक, ठीक है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन डी मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, और यही आंसर दिया रहता है किताबों में ज़्यादातर।
और इसके अलावा जो टार होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.10 से लेके 1.25 तक होती है। तो दोनों की ध्यान रखना, किसी की भी पूछी जा सकती है। द एग्रीगेट इज़ सेट टू बी फ्लैकी वैन। अब ये तो आसान सवाल हो गया क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 3/5 जिसकी डायमेंशन है, लीस्ट डायमेंशन 3/5 है किसके, मीन के। तो ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे एक बार इनको सबको तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वेदर इज कॉल्ड। अब देखिए, अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं जिनमें अलग अलग तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे अभी आपको बताया कि एब्रेशन रेजिस्टेंस में ये देखा जाता है कि वो वेयर कितना कर सकता है किसी चीज़ को, किसी लोड को। तो अब ये जो वेदर वाला है, यहाँ पे वेदर है मेन कीवर्ड, और वेदर को हम ड्यूरेशन भी कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, या ड्यूरेबिलिटी भी कह सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी क्यों कह सकते हैं कि वेदर जितना ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट करेगा उतना ही वो कम ड्यूरेबल होगा, और अगर वो वेदर को रेजिस्ट कर पाया तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हम करते हैं साउंडनेस टेस्ट। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। अच्छा, अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो एब्रेशन रेजिस्टेंस था उसमें हम हार्डनेस देखते हैं, ठीक है, जो लॉस एंजलस मशीन से किया जाता है। फिर इसके अलावा जो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट है उसमें स्ट्रेंथ देखी जाती है, और जो तीसरा है जो इम्पैक्ट टेस्ट है उसमें टफनेस देखी जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल टू पेनिट्रेशन इज। अब पेनिट्रेशन का केस आता है बिटुमिन में। अब बिटुमिन में जब पेनिट्रेशन टेस्ट होता है तो उसमें हार्डनेस देखी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रेंथ, हार्डनेस और टफनेस बताई ना, तीन अलग अलग टेस्ट की, उसी तरह से पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है बिटुमिन का उसमें हार्डनेस देखी जाती है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन इज। देखिए, ये लगभग उसके बराबर मानी जाती है टार के, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग इट्स। अब पेनिट्रेशन टेस्ट जो किया जाता है इसमें हम किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, तो हम इसमें करते हैं ग्रेड का, ठीक है। और इसके अलावा डक्टिलिटी टेस्ट होता है तो उसमें डक्टिलिटी मेज़र करेंगे। और एक और आपको ध्यान रखना है, जो ये विस्कोसिटी लिखा हुआ है इसको कंसिस्टेंसी भी बोला जाता है, कि जो विटामिन है उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो वो होता है फ्लो टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर विस्कोसिटी लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन इज रिलेटेड टू द पेंस्की मार्टिन टेस्ट। देखिए, विटामिन पे और भी टेस्ट किए जाते हैं, तो पेंस्की मार्टिन टेस्ट जो है ये फ्लैश पॉइंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। वैसे ये जो दो पॉइंट हैं ये अलग अलग होते हैं बाय डेफिनेशन। फ्लैश पॉइंट पहले अकर करता है जब जो विटामिन है उसके ऊपर जो वेपर है उस पर जब आग लगना शुरू हो जाए तो वो फ्लैश पॉइंट हो जाता है। उसके बाद जब खुद विटामिन पे आग लगे तो वो फायर पॉइंट हो जाता है। तो फ्लैश पॉइंट जो है उसके लिए पेंस्की मार्टिन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ विटामिन रिंग एंड बॉल एपरेटस इज़ यूज्ड। अब जिस तरह से पेंस्की मार्टिन टेस्ट किया जाता है फ्लैश पॉइंट को मेजर करने के लिए, उसी तरह से रिंग एंड बॉल टेस्ट किया जाता है सॉफ्टनिंग पॉइंट को मेज़र करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिंग एंड बॉल एपरेटस, तो रिंग एंड बॉल एपरेटस होता है जो कि रिंग एंड बॉल टेस्ट में यूज़ किया जाता है सॉफ्टनिंग पॉइंट को निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर तीन वो हो गए यहाँ पर, विटामिन के पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, इधर से पेंस्की मार्टिन भी हो गया, और सॉफ्टनिंग वाला जिसमें रिंग एंड बॉल टेस्ट भी हो गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर फॉर डिज़ाइन पर्पज इफ़ द टायर प्रेशर इज़ ग्रेटर देन 0.7 MPa इज़। अब देखिए, रिजिडिटी फैक्टर जो निकाला जाता है यहाँ पर पेमेंट के केस में, उसको हम कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर के रेशियो से निकालते हैं। तो अब कॉन्टैक्ट प्रेशर जो है ये कॉन्स्टेंट माना जाता है किसी पर्टिकुलर केस के लिए, जो कि 0.7 MPa है। और अगर टायर प्रेशर की वैल्यू 0.7 MPa हो जाए तो RF1 निकल के आ जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू 0.7 से ज़्यादा हो जाए, जैसा कि इस सवाल में पूछा जा रहा है ग्रेटर देन 0.7 MPa, तो आप देख सकते हैं क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो RF 1 से कम ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो कांस्टेंट है
0.7, नीचे वाला 0.7 से ज़्यादा आएगा तो RF क्या होगा, कम हो जाएगा। और थर्ड केस, जब RF जब 0.7 से कम हो टायर प्रेशर, तो RF बढ़ जाएगा फिर उस केस में, ठीक है। तो इस सवाल में ये बीच वाला पूछा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन वन, क्योंकि ग्रेटर देन 0.7 MPa लिखा हुआ है। एंड एक्सेस ऑफ फ्लेकी पार्टिकल्स इन कॉन्क्रीट एग्रीगेट्स, तो देखिए फ्लेकी पार्टिकल्स अगर ज़्यादा हो जाएँ तो क्या ये वर्केबिलिटी को कम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वर्केबल नहीं हो पाएगा कॉन्क्रीट उतना जितना किसी वेल ग्रेडेड में हो पाएगा। इंक्रीज़ द क्वान्टिटी ऑफ वाटर एंड सेंड, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, वाटर की सेग्रीगेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे। अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ड्यूरेबिलिटी भी अफेक्ट करेगा, जब अच्छी वर्केबिलिटी नहीं देगा तो अच्छे से काम नहीं होगा उस पर, ड्यूरेबल भी नहीं हो पाएगा कॉन्क्रीट ज़्यादा लंबे टाइम तक। सारे ऑप्शन सही लिखे हुए हैं इसके रिगार्डिंग, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। व्हाट इज़ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ एसफाल्ट इन द कट बैक एसफाल्ट, तो देखिए कट बैक एसफाल्ट जो बनता है उसको, उसका मेन इंग्रेडिएंट तो एसफाल्ट होता है, जो कि होता है 80%, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, और इसके अलावा इसमें सीमेंट और कुछ और पार्टिकल्स भी ऐड किए जाते हैं इसको बनाने के लिए। इन द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमिन विद द हेल्प ऑफ द रिंग बॉल, रिंग एंड बॉल एपरेटस, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल इन सेंटीमीटर बताना है। देखिए जो रिंग एंड बॉल टेस्ट है उसमें जो बॉल ली जाती है स्टील की, उसका डाया होता है 9.5 mm, जिसको सेंटीमीटर में कहेंगे 0.95 cm, ऑप्शन सी। फॉर कंक्रीटिंग द सर्फेस ऑफ रनवेज, रोड्स एंड पेमेंट्स, द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शैल नॉट एक्सीड बाई वेट, देखिए इसमें दो केस बनते हैं, इम्पैक्ट वैल्यू से सवाल है ये। तो जो इम्पैक्ट टेस्ट आपको बताया गया उसमें जब हम टेस्ट कर लेते हैं, उसका अपना एक प्रोसीजर है, उसके बाद हम इम्पैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं और वहाँ पर हम रेंज फिक्स कर देते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सरफेस वाला जो केस है, जो कि इस सवाल में पूछा जा रहा है, रोड पेमेंट ये सब सरफेस में आ गया, तो इसमें जो है 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है। और बिटुमिनस का केस हो तो उसमें 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन। यहाँ पर सरफेस वाला पूछा है तो 30% हो जाएगा, जिसको हम 0.3 भी लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर विटामिन, तो विटामिन के लिए क्या करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, ऑप्शन सी। एन एग्रीगेट विच पासिस थ्रू 25 mm आईएस सीव एंड इज रिटेन्ड ऑन 20 mm सीव इज सेट टू बी फ्लेकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन, अब फ्लेकी यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब है कि इसकी लीस्ट डायमेंशन क्या होगी, मेन डायमेंशन के 0.6 टाइम्स होगी, 3/5 जो होता है। अब मेन डायमेंशन नहीं पता हमको तो वो निकाली जा सकती है, क्योंकि ये एग्रीगेट 25 से पास थ्रू हो रहा है, 20 पे रिटेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे तो वो छोटा होगा 25 से, लेकिन 20 से बड़ा होगा जब रिटेन कर रहा है। तो इनका एवरेज ले लेंगे हम, तो उसका एवरेज क्या होगा, 22.5, इनका मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो ये आता है 13.5, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। द टाइप ऑफ एग्रीगेट नॉट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट एंड फॉर पेमेंट सब्जेक्टेड टू टेंशन इज, तो देखिए राउंडेड एग्रीगेट यहाँ पे सही आंसर होगा, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, सुटेबल नहीं है पेमेंट वगैरह के लिए, क्योंकि ये वर्केबल तो अच्छा होता है पर इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाती है, और वर्केबिलिटी इसकी अच्छी होती है लेकिन इसमें स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते पेमेंट में। इन द लॉस एंजलस टेस्ट इफ द स्पीड ऑफ द ड्रम इज़ इंक्रीज टू 50 rpm देन द एब्रेसन वैल्यू विल, अब देखिए एब्रेसन टेस्ट की बात फिर से होगी, उसमें अभी मैंने आपको बताया था कि उसकी स्पीड जो होती है 30 से लेकर 33 rpm तक होती है, और रेवोल्यूशन जो उसमें होते हैं वो 500 से 1000 तक होते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर वो 50 rpm हो जाए, यानी कि वो कह रहा है कि अगर जो 33 था उसको 50 कर दिया जाए तो क्या होगा, बढ़ेगा, RPM बढ़ रहा है ना, तो ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट का ज़्यादा इरोजन होगा, क्योंकि उसमें स्टील बॉल होती हैं, वो किया ही इसलिए जाता है कि उसकी हार्डनेस देखी जाए, तो एब्रेसन वैल्यू बढ़ जाएगी उसमें क्योंकि उन एग्रीगेट का वहाँ पे ज़्यादा नाश पिटेगा मशीन के अंदर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। द लॉस एंजलस एब्रेसन वैल्यू रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स एग्रीगेट्स यूज्ड इन वाटर बॉन्ड मैकेडम फॉर द बेस कोर्सेज, तो
जैसे वहाँ पर आपको किसका पूछा था, सरफेस का पूछा था, रोड्स वगैरह का, यहाँ पे WBM का पूछा हुआ है। तो WBM के केस में ये 40% तक अलाउ होता है, मतलब शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाना चाहिए कि भाई 40 तक कर सकते हो, तो जीरो से ऊपर तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 40 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक केस और आता है, जैसे उसमें आया था बिटुमिनस का, तो इसमें भी आता है बिटुमिनस का, तो बिटुमिनस के लिए ये हो जाता है 35%। दोनों ध्यान रखिएगा। द रोड जियोमेट्रिक्स इन इंडिया डिज़ाइंड फॉर द 98th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, 85th, 50th या 30th। तो इसका सही आंसर है 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम। तो देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह से पर आवर में कितने व्हीकल गुजर रहे हैं। पर यूनिट टाइम होता है वैसे तो, पर यहाँ पर आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम है तो हम पर आवर में ही देखेंगे। और 30th अगस्त का मतलब क्या है, ये जो पूरा डेटा है ये पूरे साल के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो एक साल में काफ़ी सारे स्लॉट होते हैं एक एक घंटे के, तो कोई एक घंटा ऐसा भी रहता होगा जब ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता होगा, फिर कोई ऐसा रहता होगा जो सेकंड नंबर पे आता होगा। तो इस तरह से अगर हम पूरी लिस्ट को देखें तो शुरू के 29 को छोड़ दिया जाता है और डिज़ाइन पर्पज़ से 30th हाईएस्ट को लिया जाता है। 30th हाईएस्ट का मतलब है कि उससे ज़्यादा जो है सिर्फ 29 ही है, ठीक है। इसको आप एक एग्ज़ाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे किसी कंपनी में मान लेते हैं सैकड़ों लोग काम करते हैं, तो 30th हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय वो होगा जिससे ज़्यादा सैलरी सिर्फ 29 लोगों की होगी। तो वही केस यहाँ पर भी है। द सेफ स्पीड ऑन हाईवे इज़, तो सेफ स्पीड जो है वो 85th परसेंटाइल मानी जाती है। और इसके अलावा आप दो तीन और हैं, इनको समझ लीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो 98th परसेंटाइल स्पीड है, जो कि डिज़ाइन स्पीड होती है जिसके आधार पर डिज़ाइन किया जाता है। परसेंटाइल का मतलब है कि सिर्फ इतने परसेंट व्हीकल हैं जो डिज़ाइन स्पीड को क्रॉस करते हैं। मान लेते हैं डिज़ाइन स्पीड जो है 80 km/h है, तो और व्हीकल जो है 100 है, तो 100 में से 98 व्हीकल ही 80 या उससे कम की स्पीड पर चल रहे होंगे। सिर्फ 2% व्हीकल हैं जो इस स्पीड को क्रॉस करेंगे, इससे ज़्यादा जाएंगे। और अगर यहाँ पे 85th लिखा हुआ है तो वो नंबर फिर वैसे ही हो जाएगा, 85% व्हीकल जो है वो क्रॉस कर सॉरी उससे नीचे रहेंगे और 15% जो है वो उसको क्रॉस करेंगे। तो 85th होती है अपर सेफ लिमिट और 15th होती है लोअर सेफ लिमिट, और एक और होती है मीडियन स्पीड, ये होती है 50th परसेंटाइल स्पीड। तो जब आपको सेफ लिमिट पूछी हो तो 85th हो जाता है, अपर को ही हम ले वहाँ पर कंसीडर करते हैं। द सेप ऑफ द स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IRC 67/2001 इज़, तो स्टॉप साइन का क्या होता है, ऑक्टागोनल होता है। और इससे रिलेटेड जो है एक आध चीज़ें और जान लीजिए, जैसे कि इसमें जो बैकग्राउंड होता है वो रेड कलर का होता है और जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर में जो स्ट्रिप होती है वो वाइट कलर की होती है, और जो स्टॉप लिखा होता है वो भी वाइट फॉर्म में लिखा होता है, आप देख सकते हैं। द क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज़ यूजुअली अडॉप्टेड फॉर जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे, द परसेंटाइल स्पीड अडॉप्टेड फॉर जियोमेट्रिक डिज़ाइन इज़, तो इसकी बात हम अभी कर चुके हैं। परसेंट डिज़ाइन के लिए जो है वो 98 परसेंटाइल स्पीड कंसिडर की जाएगी। इफ़ एल इज़ द लेंथ ऑफ व्हीकल इन मीटर, सी इज़ द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव व्हीकल, SSD भी बोल सकते हैं उसे, वी इज़ द स्पीड ऑफ व्हीकल इन KMPH, द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर इज़, तो इसको हम N, कैपिटल N या फिर कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1000V/L+C, और इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। ये जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पूछा जा रहा है ये असल में थ्योरेटिकल कैपेसिटी होती है, और क्योंकि मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। अब इसको हम दो केस में देखते हैं, एक तो देखते हैं स्पेस हेडवे के टर्म में, दूसरा देखते हैं टाइम हेडवे के टर्म में। स्पेस हेडवे से रिलेटेड ये सवाल है जो पूछा गया है। इसमें जो L और C हैं, तो L तो व्हीकल की लेंथ है और C उनके बीच की डिस्टेंस है, तो इसीलिए C को कई बार SSD भी बोल दिया जाता है, ठीक है। फॉर्मूले में आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में S आता है,
जिसको हम एल प्लस सी भी लिख देते हैं, तो वो एस जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो होता है SSD, अब वो SSD भी हो सकता है और दो कॉन्जिक्यूटिव व्हीकल के बीच की डिस्टेंस भी हो सकती है, डिपेंड करता है सवाल में क्या दे रखा है। तो वो तो हो गया C और L होगा व्हीकल की लेंथ। तो व्हीकल की लेंथ एक ही कंसीडर की जाती है। आप देख सकते हैं अगर हम एक व्हीकल का फ्रंट लेंगे तो दूसरे का भी फ्रंट ही लेंगे, बैक लेंगे तो बैक ही लेंगे और मिडिल लेंगे तो मिडिल ही लेंगे, यानी व्हीकल एक ही आता है कुल मिलाकर। जैसे ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं L/2 यहाँ पर आ रहा है और L/2 यहाँ पर आ रहा है, तो एक L कंसीडर किया जाता है डिस्टेंस के लिए। और ये दोनों चीज़ें यानी L और C ये दोनों आती हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। और C मैंने आपको बता दिया, SSD भी हो सकता है। इसके अलावा जो फार्मूला डिज़ाइन किया गया है उसमें V हमें किलोमीटर में रखना है, KMPH में, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में होनी चाहिए, व्हीकल की लेंथ भी और SSD भी। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आपको सिर्फ व्हीकल की स्पीड ही दे रखी हो, डिस्टेंस का जिक्र ना हो सवाल में, तो डिस्टेंस जो है निकाली जा सकती है इस फॉर्मूले से 0.2b+6 से, इसमें वी को KMPH में ही रखना है। ऑलराइट, तो ये हो गया स्पेस हेडवे का केस। और टाइम हेडवे में सिंपल फार्मूला है एज़ कम्पेयर 3600/ST, और ST होता है मिनिमम टाइम हेडवे, और ये आपको सवाल में दिया होता है अगर न्यूमेरिकल आता है तो इस सवाल में सही आंसर हो जाएगा N=1000V/L+C। ये L+C इकट्ठा है, ठीक है। चलिए, द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ रोडवे इज़ डिफाइंड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, तो ट्रैफिक वॉल्यूम जिसको हम क्यू से दिखाते हैं ये हो जाता है ट्रैफिक डेंसिटी इंटू स्पीड, ठीक है। इनकी यूनिट भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार यूनिट अगर आपको ध्यान है तो क्वेश्चन लगा पाते हैं, कुछ सवाल ऐसे बनते हैं डेफिनेशन आती है लेकिन अगर यूनिट मालूम है तो उससे उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें जो स्पीड है वो तो किलोमीटर पर आवर में होगी, ये तो आप जानते ही हैं, और जो इसमें ट्रैफिक डेंसिटी है ये व्हीकल पर किलोमीटर में होती है कि पर किलोमीटर में कितने व्हीकल हैं, कितना डेंस है माहौल, और इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन है। तो ये KM से KM कैंसिल होके जो क्यू है वो निकल के आ जाता है व्हीकल पर आवर। और ट्रैफिक वॉल्यूम तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पर आवर या पर यूनिट टाइम में कितने व्हीकल गुजर रहे हैं, तो ये हो जाता है K×V। कैलकुलेट द कैपेसिटी इन व्हीकल पर आवर ऑफ द रोड व्हेन रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 2 सेकेंड्स, द डिज़ाइन स्पीड इज 80 km/h एंड एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल इज 6 meters, टेक कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.35। देखिए ये वही सवाल है जो अभी जिसका अभी हमने डेरिवेशन देखा, फॉर्मूला देखा बेसिकली। सो इसमें जो ये तीन चीज़ें दे रखी हैं, एक तो स्पीड है और एक रिएक्शन टाइम है और एक फ्रिक्शनल कोफिशियंट है, तो इनकी मदद से हम SSD निकालेंगे और बाद में फिर स्पीड और जो SSD आएगा और ये जो लेंथ है इनकी मदद से थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी निकालेंगे। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, पहले SSD का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो वाला जिसमें हम V को डायरेक्ट KMPH में रख सकते हैं, म्यू की जगह 0.35 रख देते हैं हम, इसमें दे रखा है, इसको सॉल्व करके करीब 116 meters आ जाएगा SSD। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो इस फॉर्मूले में S होता है कैपेसिटी वाले में वो होता है SSD+L, तो SSD अभी हमने निकाला था और L इसमें ऐड हो जाएगा 6 meters, जो कि क्वेश्चन में व्हीकल की लेंथ दे रखी है। तो इनको ऐड करेंगे और फिर इनसे डिवाइड कर देंगे 1000V को, V हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो ये निकल के आ जाएगा 653 व्हीकल पर आवर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन टू वे टू लेन रोड्स मीटिंग एट राइट एंगल इज, तो टू वे टू लेन में क्या होता है, टू वे है और टू लेन है, ठीक है, इस तरह से इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अगर राइट एंगल लिखा हुआ है तो टू वे तो है ही, सॉरी टू लेन तो है ही, लेकिन कैसा है, टू वे है, गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं। तो इसमें जो देखिए चार तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जनरली, वेविंग होता है, क्रॉसिंग होता है, मर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो जो सबसे पहले इसमें जो टोटल कॉन्फ्लिक्ट बनेंगे वो बनते हैं 32। अब उनमें जो है
8 पेडेस्ट्रियल वाले कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो पोटेंशियल वाले नहीं होते हैं, यानी उनकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता है। तो जब पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पूछा जाता है तो तब आंसर 24 किया जाता है, क्योंकि उसमें से पेडेस्ट्रियल वाले हटा दिए जाते हैं, और इन 24 में 16 मेजर होते हैं और 8 माइनर होते हैं। तो जो 16 मेजर होते हैं वो सेंटर पे बनते हैं लगभग, ये जो 16 मेजर होंगे ये होंगे क्रॉसिंग और वेविंग की वजह से, बाकी जो 8 हैं वो होंगे मर्जिंग और डाइवर्जिंग की वजह से। ठीक है, अब पिक्चर मैंने नहीं लगाई है क्योंकि ये सवाल आपने बहुत बार कर लिया होगा, तो इसमें 32 हो जाएगा टोटल। और ध्यान रखिएगा, जब पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पूछा जाए, यहाँ पे तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ था, जब पोटेंशियल पूछा जाए तब 24 हो जाएगा। PCU इक्विवेलेंट फॉर अ साइकिल इज, तो पैसेंजर कार यूनिट साइकिल के लिए ये हो जाता है 0.5। ठीक है, साइकिल या जो भी टू व्हीलर होते हैं, स्कूटर, स्कूटी, साइकिल वगैरह, बाईसाइकिल वगैरह, इन सब के लिए 0.5 होता है। और PCU को आप समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए इसको हम पैसेंजर कार इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, और ये हम दो चीज़ों का रेशियो करके निकालते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड रखी जाती है, जो कि है पैसेंजर कार, यानी रोड की कैपेसिटी पैसेंजर कार के लिए। जैसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं किसी चीज़ की, तो ऊपर तो हम उसी चीज़ का यूनिट वेट रखते हैं, ऊपर यानी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम पानी को ही रखते हैं हमेशा, तो पानी स्टैंडर्ड होता है वहाँ पे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे पैसेंजर कार के लिए जो कैपेसिटी है रोड की, उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। फ़र्क इतना है, वहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी। अब इस फॉर्मूले को आप एग्जांपल से समझिए। देखिए, जो हमारे पास यूनिट होती हैं अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग होंगी, जाहिर सी बात है। तीन चीज़ों को हम पिक करते हैं यहाँ से, जैसे पैसेंजर कार के लिए तो एक होगा खुद ही, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। जैसे पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक उसी तरह से। और दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे बस ट्रक वाला ले लेते हैं एक, जो एक से ज़्यादा आ रहा है, और एक मोटरसाइकिल का ही ले लेते हैं जो एक से कम है। तो अब मोटरसाइकिल वाले केस में फॉर्मूले में देखिए, ऊपर तो हर बार रोड की कैपेसिटी आएगी पैसेंजर कार के लिए, तो मान लेते हैं पैसेंजर कार के लिए जो है वो 10 है रोड की कैपेसिटी, 10 कारें आ सकती हैं। और जब हम डिनोमिनेटर में टू व्हीलर की बात करेंगे, मोटरसाइकिल या बाईसाइकिल की, तो डेफिनेटली वो 10 से ज़्यादा ही आएंगी वहाँ पे, तो मान लेते हैं वो 20 आ सकती है। तो इनका रेशो निकालेंगे तो तब मोटरसाइकिल का PCU निकल के आ जाएगा। और फिर जब हम एक सेकेंड, और इसके बाद जब हम बस या ट्रक के लिए देखेंगे, तो ऊपर का नंबर तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, वो तो कॉमन रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, अब हम रोड की कैपेसिटी देख रहे हैं ट्रक के लिए, तो नंबर कम हो जाएगा। जहाँ पे 10 कारें आ रही थी, अब वहाँ पे कम आएंगे ट्रक, तो 2, 3, 4, 5 ही आ पाएंगे। तो उस केस में जब इसको डिवाइड करेंगे तो तब PCU निकल के आएगा ट्रक का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं। और ये रही वो वैल्यूज़ जो अलग अलग व्हीकल के लिए होती हैं, शुरू के 3-4 तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं सारे। और PCU के अलावा इनको हम इक्विवेलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, दोनों नाम ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे साइकिल का पूछा है, टू व्हीलर की बात हो रही है, 0.5 हो जाएगा। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन इज कॉल्ड, तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है जिसकी वजह से ओवर स्पीड के चालान भी कटते हैं, तो वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है कि इमिडिएटली क्या स्पीड थी इस व्हीकल की, उसको हम स्पॉट स्पीड बोलते हैं, और उसको हम एनोस्कोप से मेज़र करते हैं। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है कि इसको किस चीज़ से मेज़र किया जाता है, एनोस्कोप से करते हैं। और एक इसका रडार मेथड भी है, वो आगे उसका एक क्वेश्चन है, वहाँ पर देखना अभी। वेविंग इज मर्जिंग, डाइवर्जिंग, क्रॉसिंग, या फिर मर्जिंग, ट्रैवलिंग एंड डाइवर्जिंग। देखिए, वेविंग में क्या होता है, जो मर्जिंग है उसका मतलब है कि कोई एक रोड है जो किसी मेन रोड पे मर्ज हो रही है, ये मर्जिंग हो गया। और डाइवर्जिंग में क्या होता है कि मेन रोड पे कोई था और वो डाइवर्ज हो गया वहाँ से, कुछ इस तरह से। और अब जो वेविंग है उसमें दोनों प्रोसेस होती है, ये तो मेन रोड है, कोई व्हीकल यहाँ से आया, पहले मर्ज हुआ,
फिर आगे जाके वो डाइवर्ज हो गया। तो मर्जिंग और डाइवर्जिंग के अलावा इसमें कुछ हद तक ट्रैवलिंग भी होती है, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा जिसमें तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। द डिज़ाइन स्पीड ऑफ अ ट्रैफिक लेन इज 70 km/h, वट इज़ द थियोरेटिकल कैपेसिटी पर आवर टेकिंग द टोटल रिएक्शन टाइम टू बी 2 seconds एंड एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल एज 8 meters। सेम सवाल है, बस इसमें फ्रिक्शनल कोफिशियंट नहीं है तो उसको आप 0.35 कंसिडर करेंगे। और देखिए इस सवाल में एक नई चीज़ है, उसको आप थोड़ी देर में देखना। सबसे पहले तो हम SSD निकालेंगे, जो भी ज़रूरी डेटा दे रखा है, फिर उसके बाद N निकालेंगे और N निकल के आ जाएगा 686। अब ये जो आंसर है इतने व्हीकल पर आवर, ये आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर B और C, इन दोनों के बीच में आंसर आ रहा है, तो B और C में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो B होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो फ्रिक्शनल कोफिशियंट है वो जनरली तो इतना लिया जाता है, पर इसकी रेंज होती है 0.35 से लेके 0.40 तक। तो ऐसा हो सकता है कि इस सवाल में 0.35 ना हो के ये थोड़ा ज़्यादा रहा हो, 0.37 हो सकता है, 0.38 हो सकता है, या 0.40 भी हो सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पर 0.40 रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, SSD जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा यहाँ पे, SSD यहाँ पे कम आ जाएगा। और फिर जब ये SSD कम आएगा तो यहाँ डिनोमिनेटर कम होगा फिर थोड़ा, और फिर ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये 686 से ज़्यादा आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाएगा। ट्रैफिक डेंसिटी इज़ नंबर ऑफ व्हीकल्स मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन पर लेन पर डे, नंबर ऑफ व्हीकल्स मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन पर आर, या फिर नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट लेंथ। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट लेंथ जो इसकी यूनिट होती है क्या होती है, व्हीकल पर किलोमीटर। तो उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है कि पर यूनिट लेंथ में कितने व्हीकल होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिक्स्ड डिले इन हाईवे ड्यू टू, तो इन सभी ऑप्शन में से ट्रैफिक सिग्नल सही होता है क्योंकि उसकी वजह से फिक्स्ड डिले आता ही आता है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, रोड रिपेयर हो सकता है, कभी हो रहा हो ना हो रहा हो, पार्किंग कहीं पे हो रखी हो ना हो रखी हो। ठीक, नेम ऑफ ट्रैफिक सर्वे डेटा विच इज़ प्लॉटेड बाई मीन्स ऑफ डिज़ायर लाइन्स, तो कौन सा सर्वे होता है, ये होता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे। अब इस सर्वे में डिज़ायर लाइन का क्या मतलब है कि जैसे किसी सिटी में कोई एक जगह है जो किसी पर्सन के लिए ओरिजिन है और किसी जगह उसको जाना है तो वो डेस्टिनेशन हो गया। तो इन दोनों चीज़ों को जो लाइन मिलाती है उसको हम डिज़ायर लाइन बोलते हैं। और डिज़ायर शब्द इसमें इसलिए आता है क्योंकि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करे, क्योंकि सड़कें तो ऐसे घूम फिर के आ सकती हैं ना उस पॉइंट तक, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक तो मिलेगा नहीं उसको, तो इसीलिए इनको हम डिज़ायर लाइन बोलते हैं जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन को मिलाती हैं। द 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम इज़, तो क्या होगा, द एवरेज ऑफ द 30 पीक आवर्स वॉल्यूम इन द मंथ, एवरेज नहीं होता है। द आवरली वॉल्यूम विच इज़ एक्सीड बाई ओनली 30 आवर्स इन अ ईयर, 30 नहीं होगा 29 होगा, तो ऑप्शन सी सही है। द आवरली वॉल्यूम विच इज़ एक्सीड बाई ओनली 29 आवर्स इन अ ईयर, सिर्फ 29 घंटे ऐसे हों जब ज़्यादा हो उससे ट्रैफिक वॉल्यूम, 30वां हम लेते हैं वहाँ पे डिज़ाइन के लिए। इट वॉज नोटेड दैट ऑन अ सेक्शन ऑफ रोड द फ्री स्पीड वॉज 80 km/h एंड जैम डेंसिटी वॉज 70 व्हीकल पर किलोमीटर, द मैक्सिमम फ्लो इन व्हीकल पर आवर दैट कैन बी एक्सपेक्टेड ऑन द रोड इज़, तो अगेन कैपेसिटी का सवाल है पर यहाँ पर दूसरा फार्मूला यूज़ होता है जो कि होता है क्यू मैक्स बराबर VF इंटू KJ ओवर 4। तो VF जो कि स्पीड दे रखी है और KJ जो कि जाम डेंसिटी है ये भी दे रखी है, इनका मल्टीप्लाई होता है और 4 से डिवाइड करते हैं, दोनों के डिवाइड में वैसे 2 और 2 होता है यहाँ पर, तो फिर वो 4 बन जाता है और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1400 व्हीकल पर आर। मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड इज़ अ प्रोसीजर, तो मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड में हम ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं,
ट्रैफिक कहाँ पे रुक रहा है, कितना डिले हो रहा है, क्या स्पीड है, तो और उन सब का कनेक्शन ट्रैफिक फ्लो से होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है कि टू फाइंड द ट्रैफिक फ्लो ऑफ अ ट्रैफिक स्ट्रीम। द फ्री मीन स्पीड ऑफ हाईवे इज 70 km/h अंडर स्टॉप्ड कंडीशन जस्ट बिफोर अ सिग्नल लेन, द स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल इज 3 meters, मैक्सिमम फ्लो बताना है। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन नंबर 17 था ये उसी के जैसा है, और यहाँ पर फ़र्क इतना है कि जो मेन स्पीड है वो तो दे रखी है जो वी एफ था, लेकिन के जे जो है वो डायरेक्ट नहीं दे रखा है, आपको स्पेसिंग दे रखी है व्हीकल के बीच की 3 meters। तो 1 kilometer में जिसमें कि 1000 meters होते हैं उसमें कितने व्हीकल होंगे, अगर 3-3 meters का गैप है व्हीकल के बीच तो 1000 को डिवाइड कर देंगे हम उससे, 1000 को डिवाइड कर देंगे 3 से, इससे हमें व्हीकल मिल जाएंगे। 1000 क्या है, 1000 meters है जो कि 1 kilometer को दिखा रहा है, 3 क्या है उनके बीच की डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, तो इससे व्हीकल निकल के आ जाएंगे 333 के समथिंग, और यही हमारे पास यहाँ पे जाम डेंसिटी हो जाएगी कि इतने व्हीकल हैं पर किलोमीटर में। ऑब्वियस ही बात है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से और जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, जैसा कि अभी फॉर्मूला आपको बताया था, तो तब ये निकल के आ जाएगा 5830 के समथिंग। ठीक है, द लॉस्ट टाइम ड्यू टू स्टार्टिंग डिले ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल अप्रोच इज नोटेड टू बी 3 seconds, द एक्चुअल ग्रीन टाइम इज 25 seconds एंड एम्बर टाइम इज 3 seconds, इफेक्टिव ग्रीन टाइम बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इफेक्टिव ग्रीन टाइम जो है ये होता है सबसे पहले तो एक्चुअल ग्रीन टाइम के बराबर होता है, और फिर उसमें एम्बर टाइम को जोड़ दिया जाता है जो एक्स्ट्रा मिलता है, और फिर जो डिले होता है उसको घटा दिया जाता है। तो इसमें एक्चुअल ग्रीन टाइम में एम्बर टाइम ऐड होगा और फिर जो डिले हुआ था उसको माइनस कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 seconds आंसर आ जाएगा यहाँ पे। वीडियो आपको शेयर करना है व्हाट्सएप में अपने सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सॉरी फ्रेंड्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू मेज़र ट्रैफिक वॉल्यूम, तो ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। अब ट्रैफिक वॉल्यूम यानी कि वही चीज़ फिर से कि हर घंटे में कितनी गाड़ियाँ गुजर रही यहाँ से, तो न्यूमेटिक ट्यूब होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम इस काम को करते हैं, ये बताता है हमें कि हर घंटे यहाँ से इतने व्हीकल गुजरे। ठीक है, इसके अलावा जो और तरह की चीज़ें हैं जैसे डॉपलर रडार है, इससे हम स्पॉट स्पीड को मेज़र करते हैं रडार के माध्यम से, और रोड साइड इंटरव्यू का मतलब क्या है कि हम पूछते हैं लोगों से कि आपका ओरिजिन क्या था, डेस्टिनेशन क्या था, तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे में हम ये यूज़ करेंगे ये मेथड। और वीडियो टेप यानी वीडियोग्राफी मेथड कहाँ यूज़ करेंगे, पार्किंग में, पार्किंग सर्वे जब करेंगे हम। ऑल राइट, द स्पॉट स्पीड इन KMPH ऑब्जर्व्ड एट अ रोड सेक्शन आर 66, 62, 45, 79, 32, 51, 56, 60, 53, 49, मीडियन स्पीड बतानी है। देखिए इसी सवाल से मीन स्पीड भी पूछी जाती है, तो मीन में क्या करते हैं अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, और जब मीडियन पूछी जाए तो जैसा कि हम 10th स्टैंडर्ड में करते ही थे, इनको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो आप पहले आराम से इत्मीनान से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, और फिर इनमें से मिड वाला पिक कर दिया जाता है। तो अगर ये ऑड होते तो ठीक था, लेकिन ये इवन नंबर है, तो पांचवा और छठा जो है बीच में आ रहा है, इनका हम एवरेज ले लेंगे जो कि होगा 54.5। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ट्रैफिक कैपेसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ रोडवे टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ व्हीकल पर आवर, पहला ही ऑप्शन ठीक है। देखिए ट्रैफिक कैपेसिटी जो है ये ट्रैफिक वॉल्यूम से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन यूनिट इनकी सेम होती है, वो कैपेसिटी बताता है ट्रैफिक की, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। जितने भी हमने सवाल किए वो कैपेसिटी वाले मैक्सिमम थ्योरेटिकल वगैरह वो सब इसी से रिलेटेड थे, तो उनमें आपने देखा सबकी यूनिट वही थी जो ट्रैफिक वॉल्यूम की होती है। इन डिज़ायर लाइन डायग्राम विड्थ ऑफ डिज़ायर लाइन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप्स इन वन डायरेक्शन, लेंथ ऑफ डिज़ायर लाइन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन, या फिर विड्थ ऑफ डिज़ायर लाइन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन, और बोथ लेंथ एंड विड्थ ऑफ डिज़ायर लाइन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन। देखिए डिज़ायर लाइन में क्या होता है, जैसा कि अभी बताया था आपको कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन को जो लाइन मिलाती है, तो अब इसमें क्या होता है
कि प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल के बारे में बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर तो विड्थ होता है कि डिज़ायर लाइन की जो विड्थ है वो नंबर ऑफ ट्रिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ए और सी में आप देख सकते हैं, ए में लिखा हुआ है वन डायरेक्शन, बी में लिखा सी में लिखा हुआ है बोथ डायरेक्शन। तो बोथ डायरेक्शन वाला सही होगा क्योंकि हम सिर्फ एक तरफा सर्वे नहीं करते हैं, हम ये मान कर चलते हैं कि कोई पर्सन अगर कहीं से कहीं जा रहा है तो वापस वह अपनी ओरिजिन पे भी जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिज़ायर लाइन की जो विड्थ है, विड्थ यानी कि यही विड्थ, ये जो ये इसकी स्ट्रिप चौड़ी होती जाती है फिर उस हिसाब से उस सर्वे में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि डिज़ायर लाइन की विड्थ जो है वो नंबर ऑफ़ ट्रिप के प्रोपोर्शनल होगी और नंबर ऑफ़ ट्रिप दोनों डायरेक्शन में देखी जाएगी। आखिरी सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कंप्यूटिंग ट्रैफिक कैपेसिटी पर लेन ऑफ द हाईवे। तो किसको लिया जाता है, पैसेंजर कार को लिया जाता है या ट्रक बस को या टू व्हीलर को, या अब देखिए पैसेंजर कार को नहीं लिया जाता है, उसके इक्विवेलेंट को लिया जाता है। पैसेंजर कार को हम स्टैंडर्ड मानते हैं वहाँ पर, इक्विवेलेंट ऑफ पैसेंजर कार यहाँ पे सही आंसर होगा। कंसीडरेशन में तो उसी को लिया जा रहा है ना जब PCU को निकाला जा रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑल राइट, ये थे आपके 25 MCQs और ये रहा वो सवाल जो आपको करना है। आप चाहें तो इसका आंसर कॉमेंट में दे सकते हैं।